हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिश बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे, माइग्रेशन इन फिशेस। इस टॉपिक के कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, माइग्रेटरी स्पीशीज, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मेथड्स ऑफ माइग्रेशन, मार्किंग और टैगिंग ऑफ द फिश, पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन, पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, कॉसेस ऑफ माइग्रेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज सीजनल मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिश बिलोंगिंग टू अ स्पीसीज फ्रॉम वन एरिया टू अनादर फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग। जनरली स्पीसीज रिमेन कन्फाइंड टू अ स्मॉल होम टेरिटरी, but a few species are known to travel long distance in search of food or for spawning. Migration may occur in vertical direction as from the deeper to surface water, or may be in a horizontal direction either upstream or downstream. True migration is a seasonal movement that occurs regularly and implies a return to the straight point. जो फिशेस होती हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ये समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर और फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की ओर भी जा सकती हैं, या फिर एक ही जगह एक ही वाटर में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट करती हैं। ये डिपेंड करता है कि फिशेस की नीड क्या है, और इस मूवमेंट के बेस पर साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग अपनी भाषा से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल बिहेवियर इवॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पीसीज इन स्पेस डिफाइंड बाय डिंगल इन 1980। निकोल्सकाय ने डिफाइन किया एन अडेप्टेशन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज। यहाँ पर इस स्लाइड पर कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल्मोन स्पीसीज, साल्मोन। सेकेंड, हैरिंग स्पीसीज का नाम है। कुछ एंग्विला की स्पीसीज है, ये यूरोपियन ईल है, अमेरिकन ईल, ऑस्ट्रेलियन ईल, हिल्सा इलिशा, मैक्रल फिश, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे फिश है, इसी तरह लैम्पेट्रा फिश है। इस तरह से ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि जिनमें की माइग्रेशन पाया जाता है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन इनकी नीड के अनुसार अलग अलग होते हैं। फर्स्ट इसे क्लाइमेटिक माइग्रेशन। ये क्लाइमेटिक माइग्रेशन undertaken to search better climatic and environmental conditions. Next is gametic migration. ये migration for reproduction होता है. Third, elemental migration. ये migration in search of food and water के लिए होता है. Next is osmoregulatory migration. इनके फिशेस के नीड्स के बेस पर जो माइग्रेशन, जिस प्रकार अभी हमने देखा, एलिमेंट्री और फीडिंग बिहेव, फीडिंग माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जैसे कि हमने देखा, ये इनके फूड रिसोर्सेस के लिए होता है। जहां पर इनको फूड अच्छी मात्रा में मिलता है, ज्यादा होती है, वो उस तरफ माइग्रेट कर जाते हैं उनके सर्च में। सेकेंड, गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन। ये होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और ये ब्रीडिंग सीजन में अपना सुटेबल स्पेस ढूंढते हैं फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड। जहां पर इनको स्पॉनिंग के लिए बेटर ग्राउंड मिलता है, वहां पर ये फिशेस माइग्रेट कर जाती हैं। क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन इन सर्च फॉर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जहां पर फिशेस को सुटेबल क्लाइमेट मिलता है और उनके सीजनल के अनुसार उनमें माइग्रेशन होता है।
osmoregulatory migration, migration for water and electrolytes balance from sea to fresh water and vice versa. ये उसमें osmoregulation base के इनमें migration होता है कि इनको किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए, उस बैलेंस के बेस पर ये सी से फ्रेश वाटर में या फिर फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करते हैं. जुवेनाइल माइग्रेशन, इट इज ट्रेवल माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ देयर पेरेंट. यानी कि जहां पर जुवेनाइल प्रेजेंट होते हैं वो फिर बाद में अपने जहां पर उनके पेरेंट्स रहते थे वहां पर ये माइग्रेट कर जाते हैं. मेथड्स ऑफ माइग्रेशन, सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड बाय अ स्पीशीज फॉर माइग्रेशन. दीज आर फर्स्ट बाय ड्रिफ्टिंग. फिशेस ट्रैवल पैसिवली विद द वाटर करंट एंड डू नॉट मेक एनी एफर्ट. दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट एंड रिजल्ट्स इन डायरेक्शनल मूवमेंट बाय द फिश. यानी कि ये जो फिश होती हैं, वाटर करंट के साथ माइग्रेट कर जाती हैं. सेकेंड, रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट. इन अ यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट फिश रिलीज एट अ पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस बाय रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स. दिस रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज. थर्ड इज oriented swimming. This involves swimming in a particular direction which may be either towards or away from the source of stimulation. This can also be at an angle between the fish and the source of stimulation. Marking or tagging of the fish. Investigators jo hote hain वो जो फिश के माइग्रेशन पर स्टडी करते हैं वो उनके पैटर्न को स्टडी करने के लिए, उनके डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए, उनको स्पीड को स्टडी करने के लिए उन फिशेस में इस तरह से मार्किंग या टैगिंग करते हैं कि उनको पता चल सके कि फिश किस डायरेक्शन में गई, किस स्पीड से गई और उनको कितना समय लगा. ये जो मार्किंग और टैगिंग होती है वो इस तरह की होती है कि जिससे उनको टैगिंग करते हुए फिश को किसी तरह का नुकसान नहीं हो. और ये जो मार्किंग या टैगिंग है फिश की बॉडी पर लंबे समय तक रहने चाहिए. इट इज नेसेसरी दैट द मार्क और टैग मस्ट बी इजीली आइडेंटिफाइबल एंड रिमेन्स विद द फिश फॉर अ सफिशिएंट टाइम. अ टैग शुड नॉट हार्म द फिश. अब जो ये टैगिंग होती है उसमें फर्स्ट मेथड है मार्किंग द फिश बाय क्लिपिंग द फिन. मार्किंग अ फिश बाय क्लिपिंग द फिन इज अ क्विक एंड इजी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन. कंप्लीट रिमूवल ऑफ फिन इज नॉट डिजायरेबल एज फिन इज रीजनरेटेड इन सम स्पीसीज. सेकेंड है फिश कैन बी टोटेड विथ मेटल टूल्स. अ टैग मे बी अ मेटल क्लिप विच इज अटैच टू द फिन, जॉ और ऑपरक्यूलम. इट मे बी डिस्क्लाइड विथ पॉइंटेड रॉड एंड इज इंसर्टेड इन टू द मसल्स ऑफ द बैक. The tag may be made of aluminium or plastic and carries the information about the fish. Some tags are disadvantageous as they may be lost during swimming or may affect survival of the fish. इस तरह से हमने देखा कि जो टैग होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, पॉइंटेड रॉड भी हो सकते हैं, जो कि फिशेस के अलग ऑर्गन्स यहाँ से पार्ट में लगा दिए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि ये जो टैग है या मार्किंग है वो तैरते हुए फिश से बाहर, उसके बॉडी से बाहर अलग नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटाइज्ड
Stainless steel wire is injected into a suitable part of the body, such as the nose or caudal peduncle. The adipose fin of the fish is removed to serve as an indicator. When recaptured, the fish is checked with the help of a magnetic detector for the presence of the tag. Next is, fish are spread with a fluorescent dye, which soon becomes embedded in the scales. The dye can be seen by exposing the fish to ultraviolet radiations. Next, water soluble radioisotopes can also be used as a marker and are given orally or by immersion. Such a fish can be identified by using a radiation detector. इस तरह से जो fishes हैं, उनमें हमने देखा कि इनको marking करी जाती है, tagging करी जाती है, tools को use करते हैं, या तो tools metallic होते हैं, aluminium के होते हैं, या plastic होते हैं, या फिर उनमें कुछ magnetized piece को लगा दिया जाता है, और फिर उनको उनकी magnetized piece को magnetic detector से उनको पहचाना जाता है, या फिर उन पर फ्लोरेसेंट डाई को स्प्रे करा जाता है और उनको फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है, या फिर उनमें वाटर सॉल्युबल रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है, और इस तरह से अलग अलग मेथड यूज करते हुए फिशेस में मार्किंग या टैगिंग की जाती है।